यस सर। हेलो गाइस, कैसे हो? मैं उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी मैथ्स फैकल्टी बाय पंकज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी पर। और आज का हमारा टॉपिक होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, चाहे वो नर्सिंग का कोई भी एग्जाम हो, चाहे DSSB हो, रेलवे हो, चाहे एम्स एग्जाम हो, इसमें एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। और कभी कभी रेलवे में तो इस टॉपिक से दो क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। और इस टॉपिक को आपने 10th में भी पढ़ा होगा, पर अब कॉम्पिटिशन लेवल पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और वो भी एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन है कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 डेज में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए किसी काम को 20 डेज में, बी उसी काम को 30 डेज में करता है। तो जो ये है कि हमारे डेज है, और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए वो हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। तो इन दोनों का एलसीएम की बात करें तो एलसीएम तो आपने पहले भी लेना सीखा होगा कि एलसीएम, एक बार मैं एलसीएम लेना बता देता हूँ क्योंकि नर्सिंग के स्टूडेंटों का मैथ से कोई लिंक नहीं होता, इसलिए एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं एक बार एलसीएम लेने में बता कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इन दोनों में डिवाइड कीजिए, तो 2 है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर 15, अब यहाँ पर फिर 2 से कीजिए सबसे छोटे नंबर से, यहाँ पर 5 बच जाएगा, यहाँ पर 15 रह जाएगा, फिर यहाँ पर 3 से कीजिए यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5, फिर कीजिए 5 से, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 × 2 4 हो गया, 4 × 3 12 हो गया, और 12 × 5 ये 60 हो गया। तो हमारा एलसीएम कितना है, 60 एलसीएम आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। और इसके बाद हम बात करें जो ये होगा, ये हमारी एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी मतलब क्षमता होगी, कार्य क्षमता। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइम जाएगा। इसके बाद में बी का कितनी एफिशिएंसी आएगी, बी की 2 आएगी, तो टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई, और टोटल वर्क कितना 60 है, 60 / 5, तो हमारा जो कार्य आएगा वो 12 डेज आएगा। 12 डेज ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा सेम टाइप का सेकेंड क्वेश्चन है, आप कीजिए। एक काम को 6 दिन में कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 9 दिन में करता है। तो देखिए ए किसी कार्य को 6 डेज में करता है, बी इसी कार्य को 9 डेज में करता है। अब इन दोनों का मैंने अभी बताया था कि ये तो डेज होता है, पर इन दोनों का देखें तो आपका 18 एलसीएम हो जाएगा। और फिर इसको करें तो जहाँ पर एफिशिएंस कितना जाएगा, 3 टाइम में डिवाइड हो गया, ये कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम 18 डिवाइड हो जाएगा 9 से, और जो टोटल एफिशिएंस है वो 5 आ जाएगी, और 5 आ जाएगी, 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 18 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल वर्क बट एफिशिएंसी, क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी इज बट टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। तो आपका ये ऐसे निकाल, ऐसे सोल्व कर सकते हो, आप फॉर्मूला बेस करना चाहे तो ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.6, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3.6 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा इससे, वो होगा क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन कीजिए, आप देखिए होता है या नहीं होता है, ट्राई करिए।
इसको मिटा दो सर, सामने रखा है सर, सामने पड़ा हुआ सर, बोरा सर उधर बेड पे रखा है सर। आपका क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। चलो आइए, आपने ट्राई किया होगा, फिर भी हम स्टार्ट करते हैं इसको कि ए किसी कार्य को 12 डेज में करता है, बी इसी कार्य को 15 डेज में करता है, सी इसी कार्य को 20 डेज में करता है। तो ये तो अपने पास डेज निकल के आ गए। इनका जो एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है, 60 आ गया आपका एलसीएम। ये क्या है, ये टोटल वर्क हो गया आपका, और हमें क्या निकालना है, डेज या टाइम निकालना है। तो एफिशिएंसी कितना आ गई कि 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5 टाइम, और बी को 60 को 15 को 60 से डिवाइड किया तो 4 टाइम जाएगा। इसको बी को 20 से इसको 60 में 20 से डिवाइड करेंगे, 3 जाएगा, 3 टाइम हो गया। तो जो ए बी सी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको यहाँ दीजिए, तो 12 आपके टोटल क्या आ गई, एफिशियंसी आ गई 12 से 60 को, तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे हम, 5 आ गया सर। तो 5 डेज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 डेज कौन सा ऑप्शन नंबर, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, आप ट्राई कीजिए। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 15 डेज में कर सकते हैं, तथा सी और ए किसी काम को 20 डेज में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ काम करें तो वो कितना दिन में होगा, कि तीनों मिलकर, इस लाइन को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि तीनों मिलकर काम करें तो ये टोटल वर्क कितने दिन में होगा। सेम क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज किया है कि यहाँ पर देखिए कि ए प्लस बी 12 डेज, बी प्लस सी 15 डेज, 15 डेज, सी प्लस ए 20 डेज, 20 डेज। अब देखिए इसके वही एलसीएम लेना हमें, क्योंकि हमें एलसीएम कितना आ गया, 60 एलसीएम आ जाएगा हमारा। फिर एफिशिएंसी निकालनी है हमें, ई निकालना है, फिर टोटल वर्क हो गया, ये हमारा डेज हो गया। नीचे निकाल दो सर खाली, तो जो हमारी एफिशिएंसी आएगी लिखनी आई, ये 5 आ गई। 5 कैसे ऐसा, 60 डिवाइडेड 20, 60 में 12 से डिवाइड किया 5 टाइम, ठीक है, 60 को 15 से 4 टाइम, तो 4 टाइम आ गया, 60 को 20 से डिवाइड किया हमारा 3 टाइम आ गया, 12 आ गया सर। तो यहाँ पे जो हमारा आया था 5 4 3 टाइम, बट ये जो एफिशिएंसी निकलती है कि ओनली वन डेज की निकलती है, जबकि हमारी यहाँ देखें तो ए टू टाइम आ रहा, बी टू टाइम आ रहा, सी टू टाइम आ रहा। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी प्लस सी, तो ये इजकल टू, ये टोटल इनका टोटल कर देते हैं हम, तो टोटल किया 12 आ गया सर, तो 12 आ गया। तो हमें तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी चाहिए, 12 प्लस 2, तो जो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी 6 आ गई, तो हमारी जो एफिशिएंसी 6 आ गई टोटल वर्क ये है, तो आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, 60/6 हमारा 10 आ, 10 डेज है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप ट्राई सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, समझा दीजिए एक बार, बस समझा दीजिए, वैसे कि वैसे लिखा हुआ है ए प्लस बी। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि ए प्लस बी किस कार्य को 12 डेज में करता है, तो यहाँ पे लिखा है कि ए प्लस बी किस कार्य को 12 डेज में करता है, ठीक है, बी प्लस सी किस कार्य को 15 डेज में करता है, बी प्लस सी किस कार्य को 15 डेज में करता है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सी प्लस ए किस कार्य को 20 डेज में करता है, सी प्लस ए किस कार्य को 20 डेज में करता है, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। एलसीएम लिया हमें, एलसीएम इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो टोटल वर्क हो जाएगा,
जी सर, अगर 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे 5 टाइम जाएगा। जी सर, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 4 टाइम जाएगा, और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, जो हमारी टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 12 हो जाएगी। बट जो ये एफिशिएंसी निकली है हमारी, ये एक दिन की निकलती है, तो यहाँ तो 2 डेज की हो रही है, 2 टाइम निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए डबल टाइम कर रहा है, बी डबल टाइम, सी डबल टाइम, तो 2A+B+C, तो मुझे तो एक दिन की फाइंड आउट करना है हमें, तो 6 आपकी A+B+C की एफिशिएंसी आ गई। 60 डेज टोटल वर्क 60 है, और 6 से डिवाइड करने पर आपका 10 आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें डेज फाइंड करना है। मंडे की एफिशिएंसी 6 डेज है, टोटल 60 है, तो 10 डेज होगा, राइट है सर। ओके सर, थैंक यू। अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। आपका क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 72 डेज में करता है, बी और सी किसी कार्य को 120 डेज में करता है, बी और सी 90 डेज में करता है, कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को लीजिए कि ए प्लस बी किसी कार्य को 72 डेज, बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को 120, सी प्लस ए मिलकर इसी कार्य को 90। इसका एलसीएम लें, सबसे पहले 180 लेके देखें, उससे हमारा 72 डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हमें 360 इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम थोड़ा सा मुश्किल है इसका लेना सर। हाँ, क्योंकि 72 × 5 करेंगे तब 60। हाँ ठीक है, 360 है, 360 इसका एलसीएम हो जाएगा, जो कि टोटल वर्क है, ये आपका डेज हो जाएगा, और जो ये आपकी निकलेगी एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता, तो ये कितने आएगी, 5 टाइम गया। ठीक है सर, 3 टाइम, ये कितने टाइम गया, 3 टाइम, 3 टाइम गया, 4 टाइम, इससे इसको डिवाइड किया, 4 टाइम गया, जो हमारी टोटल एफिशिएंसी आई 12 डेज हो गई, वो 12 डेज आ गई, 1 डे की कैपेसिटी है, तो ये 2 डेज की हमारी 12 डे आई, राइट सर, 2 डेज एफिशिएंसी, वही सेम फार्मूला, 12 आ गया, 2 को इधर भेज दें, यहाँ से हटा के तो ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, तो और ए प्लस बी की हमारी एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी, 6 निकल जाएगी, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 हो गई। तो हम फिर कीजिए, लेफ्ट साइड कर दीजिए सर, तो लेफ्ट साइड खाली, आप लेफ्ट साइड में कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, तो ये 360 है डिवाइड बाय 6 एफिशिएंसी है, 60 आएगा, 60 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 टाइम गया। जी सर, 60 सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, वेरी गुड सर, बहुत इजी, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का आप ट्राई कीजिए, वो थोड़ा सा अलग होगा। जी सर, दिया गया कि ए और बी किसी काम को 12 डेज दिनों में, और बी और सी मिलकर 15 डेज में, सी और ए मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। जो हम पहले निकाल रहे थे वो निकाल रहे थे कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, कि तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे, और अब पूछा गया है कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन में हमें तीनों को अलग अलग कार्य निकालना है, और पहले हम तीनों को मिला के एक साथ निकाल रहे थे, तो एक बार ट्राई कीजिए आप। चलो स्टार्ट बताइए सर, बताइए एक बार आप। ए प्लस बी किसी कार्य को 12 डेज में कर रहा है, बी प्लस सी किसी कार्य को 15 डेज में कर रहा है, सी प्लस ए किसी कार्य को 20 डेज में कर रहा है। इसका एलसीएम ले, तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। जी सर, ये हमारा टोटल वर्क है,
ये हमारा डेज है एफिशिएंसी और जो हमारी एफिशिएंसी है कार्यक्षमता। तो यहाँ पे 60 को 12 से डिवाइड किया 5 टाइम, 60 को 15 से डिवाइड किया तो 4 टाइम, और इसको डिवाइड 3 टाइम, 60 को 20 से डिवाइड किया 3 टाइम, 12 बार। तो हमारी जो एफिशिएंसी आई वो टोटल कितनी आ गई 12। दो दिन की होगी अभी सर, ये 2 डेज की हो गई, ए प्लस बी प्लस सी 12। जो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी हमारी। तो हम देखें कि यहाँ पे एक कि ए प्लस बी, यहाँ से ए प्लस बी जब मैंने लिया इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ए प्लस बी की 5 है, यहाँ पे टोटल 5 दे रखी है, तो ए प्लस बी की मुझे पता है कि इसकी एफिशिएंसी 5 है, सॉरी ये टोटल एफिशिएंसी 6 है, ए प्लस बी की हमें 5 दे रखी है, सी की मुझे निकालना है, तो मैं इसको इधर पक्षांतरण कर दें तो हमारी जो सी की एफिशिएंसी निकल के आई, तो सी की एफिशिएंसी निकल के आई वो 1 आ गई। इसी तरह हमें सी की एफिशिएंसी 1 हो गई, सी 1 कैसे आया सर, 6 माइनस 5, इसको इधर पक्षांतरण करने पर ही माइनस 6 के नीचे 1 लिखना होगा, तो 6 के नीचे 1 लिखिए बटे करके सर, नहीं इसको डायरेक्ट इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 6 माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, जो ए प्लस बी की इसकी तो वैल्यू मुझे पता थी, सी की एफिशिएंसी हो गई है। ठीक है सर, वन डे क्योंकि ए प्लस बी की 5 दे रखी है जी, तो सी की मुझे निकालनी है, तो उधर पक्षांतरण करा तो 1 वैल्यू हो गई इसकी, तो 1 एफिशिएंसी आ गई। ठीक है सर, और यहाँ पे आप देखें कि मुझे सी की तो 1 दे रखी है जी सर, और इन दोनों की मिला के पहले कितनी दे रखी थी, 4 दे रखी है, तो यदि मुझे सी की 1 है तो बी की 3 हो जाएगी, बी की 3 हो जाएगी जी सर, और बी की 3 हो गई, इसकी 1 हो गई, दोनों को मिला के 4 हो गई, और टोटल एफिशिएंसी हमारे पास 6 है, तो ए की हमारे पास एफिशिएंसी है वो हमारे 2 हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ए की एफिशिएंसी है वो 2 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी है वो 3 हो जाएगी, और जो सी की एफिशिएंसी है वो 1 हो जाएगी, टोटल एफिशिएंसी 6 हो गई जी। तो आप जो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60 है, तो 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जो ए का वर्क निकलेगा 30 निकल जाएगा, 30 डेज हो जाएगा, और बी की देखें तो बी का 20 निकल जाएगा, और जो सी बी का 20 कैसे सर डिवाइड करके बनेगा, तो टोटल वर्क हमारे पास 60 है डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 बराबर 20 डेज। ये बी का हो जाएगा, और जो सी का वर्क होगा 60 डिवाइडेड बाई 1, तो सी का 60 डेज। तो ए इसको 30 दिन में करेगा, बी इसको 20 दिन में कर देगा, और सी इसको 60 दिन में करेगा, यदि वो अकेला करे इसकी हेल्प ना ले जी जी, ये प्रॉपर अलग अलग डेज में, यही पूछा उसने कि अलग अलग काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, अलग अलग दें अलग अलग काम को कितने दिन में करें, कि ये इसकी हेल्प ना ले ये इसकी ना ले, तो प्रॉपर काम अलग अलग दिनों में कितने दिन, ए बी 30 दिन में कर देगा, बी 20 दिन में कर देगा, बी 20 दिन में, और सी 60 दिन में कर देगा, सी 60 दिन में हो जाएगा सी का काम। ऑप्शन दिखा दीजिए सर एक बार, इसके इसके ऑप्शन नहीं है, अच्छा इसके ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो गई। ठीक है सर, ओके सर, टाइप का क्वेश्चन है इसी को, क्वेश्चन है कि एक ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, और ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो ए अकेला बी इस काम को बी, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे एक बात है कि ए प्लस सी, तो यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे बी को खा गए, बी नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए एक बार ट्राई कीजिए आप, तो आपसे ट्राई होता है क्या क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट अगर सिखा दीजिए, देखिए कि जो एक ही मार्क के सामने,
हाँ नीचे से लाइन। तो ए है जो ए है ये 4 days में करता है, 4 hours में करता है। बी प्लस सी है 3 hours, तो 3 hours में करता है। सी प्लस ए है 2 hours, तो 2 hours में करता है। इन दोनों का एलसीएम देखें, तो यहाँ पे एलसीएम देखें तो कितना आएगा, यहाँ पे 12। किसकी हो जाएगी 3, इसकी 4 और इसकी 6 हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल 6 हो गई। इसको देखते हैं कि ए की प्रॉपर हमारे पास कितनी है, ए की 3 है, एफिशिएंसी 3 है। तो यहाँ पे मैं सी की फाइंड आउट कर सकता हूँ कि बी की भी कितनी हो जाएगी, सी की भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्योंकि एक बार मैं बता देता हूँ उसको कि सी प्लस ए इजकल टू 6 है, तो मुझे पता है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 है। जी सर, तो मुझे बी की प्राप्त हो जाएगी अगर मैं 3 को पक्षांतरण कर दूंगा तो बी की जो तो इधर जाएगा तो 3 माइनस का हो जाएगा, तो जो ए की आ जाएगी, सी की आ जाएगी सर, ये सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 सी बराबर 3 हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पता लग गया कि ए की एफिशिएंसी है वो 3 है, बी सी की भी 3 है, 3 है, तो बी की, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी। अब मैं बी की देख लेता हूँ कि यहाँ पे जो बी है इसकी 3 एफिशिएंसी है, सी की 3 है, फाइंड आउट किया, तो इसकी बी सी प्लस बी की एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी मुझे फाइंड आउट करना है। इसकी एफिशिएंसी अभी देखा कि 3 है, तो दोनों की 4 आ रही है, एफिशिएंसी 4 एफिशिएंसी दे रखी है, तो मैं इसको इधर भेजूंगा तो जो बी की एफिशिएंसी होगी एक बन हो जाएगी 4 - 3। तो हमें वो कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 12 डेज ये हो जाएंगे, तो 12 डेज आंसर। एक बार रिपीट कर दीजिए सर थोड़ा सा, यहाँ से सी से नहीं, इनके एफिशिएंसी से रिपीट कर दीजिए, तो ठीक है यहाँ तक, तो एफिशिएंसी से जी ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, एलसीएम इसका 12 आ गया। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, देखिए ए 4 दिन में एक ए 12 को 4 से डिवाइड किया 3 एफिशिएंसी आ गई, 12 को 3 से डिवाइड किया 4 एफिशिएंसी आ गई, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 एफिशिएंसी आ गई। जी सर, अब मुझे पता है मुझे एफिशिएंसी निकालनी है क्योंकि मुझे बी फाइंड आउट करना है अकेला। तो यहाँ देखें कि जो ए है ए की एफिशिएंसी मुझे 4 दे रखी है, तो यदि मैं इसी को उठा लूँ मैं तो सी प्लस ए इजकल टू 6 एफिशिएंसी दे रखी है यहाँ पे। जी सर, मुझे पता है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ये मैंने 3 लिख दिया। फिर मुझे पता है कि जो इसको मैं इधर भेज दूँ 3 को पक्षांतरण कर दूँ कि ऐसे हो जाएगा 3 इजकल टू 6 में से 3 गया तो 3 बचा सी की एफिशिएंसी है, तो ये सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। जी सर, ए की एफिशिएंसी मुझे पता है थी कि ए की एफिशिएंसी भी 3 है। अभी मैं सी की एफिशिएंसी में पता लगा कि 3 है, तो अब यहाँ पे रख दीजिए क्योंकि यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे रखा मैंने सी की तो 3 हो गई एफिशिएंसी। अब बी की इस सी को जो टोटल एफिशिएंसी है वो 4 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, जो ए बचेगा वो ए की एफिशिएंसी किसकी बचेगी, बी की एफिशिएंसी। तो बी ने बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, ए की हमारी हो गई 3 और जो हमारी सी की हो गई 3। तो अब इस क्वेश्चन को बी कार्य कौन कर रहा, अकेला बी कर रहा, तो बी इजकल टू टोटल कार्य कितना हमारे पास 12 है, बाई 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो ये कार्य टोटल डेज में 12 डेज में। अगर सर ये तीनों मिलकर के करें तो कितने दिन में होगा, तीनों मिलकर करें तो 4 से टोटल करके इसको डिवाइड कर दीजिए 6 और 10 13 हो जाएगा। इसको यहाँ से टोटल कर दीजिए, यहाँ से 13 हो गया सर, और 12 जो एफिशिएंसी आई है यहाँ से टोटल कर दीजिए 13 आ रही है, टोटल एफिशिएंसी आई है जो हमने एफिशिएंसी अभी निकाल ली 7 हो गया। एक बार मैं बता देता हूँ कि जो 7 हो गया तो 7 यह हो जाएगा हमारा 1/5/7 डेज, इसकी तीनों मिलकर कार्य करेंगे। आवर्स में है सर ये, तो आवर्स में है, तो आवर्स में इनका 1/5/7 आवर्स में हो जाएगा। हाँ आवर्स में हो जाएगा, आवर्स है ठीक है। यदि तीनों मिलके करें तो ऐसे होगा, तो आपने वहाँ कहता 12 डेज बता दिया सर बी का,
12 आवर्स होगा वो, 12 डेज लिखे नीचे आपने 12 डेज लिख दिया, चाहे इसकी जगह आवर्स की जगह चाहे कोई नाम आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, जो लिखा होगा वही माना जाएगा यहाँ। जी सर, जी सर, चाहे कोई नाम आए कुछ भी हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का सेम टू सेम, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा। ए और बी मिलकर एक काम को 10 डेज में करते हैं, बी अकेला से 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम टू सेम उसी के जैसा, उसमें थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बार ट्राई कीजिए। चलो ट्राई करते हैं, ए किसी कार्य को 10 डेज में करता है, बी उसी कार्य को ए प्लस बी है सर, ए प्लस बी 10 डेज में करता है, बी इसी कार्य को ए अकेला है सर, सॉरी ए अकेला 30 डेज में करता है, बी पूछा है और बी आपको फाइंड आउट करना है इसके एफिशिएंसी में, तो जो जो इसका टोटल वर्क आया वो 30 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे पहले, तो एलसीएम लेना है, तो जो इसकी एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी की 3 आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी है वो 1 आ जाएगी, टोटल करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो मुझे बता कि ए की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे, 3 दे रखी है, और मुझे बता कि जो ये ए है ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 1 आ गई, और जो ए प्लस बी की एफिशिएंसी वो 3 है, यदि मैं इसमें से -1 कर देता हूँ बी की एफिशिएंसी, जो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वो एफिशिएंसी आ जाएगी, और जो कि हमें टोटल वर्क कितना दे रखा, टोटल वर्क 30 दे रखा, तो बी इजकल टू 30/2 हमारा 50 डेज हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। चलो सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, आप कीजिए। एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, सेम क्वेश्चन है। ए बी अलग के काम को 20-30 दिन में काम कर सकते हैं, ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं, 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को ए समाप्त करता है, मतलब कि जो बचा हुआ काम है उसको सी ए समाप्त करता है, बी छोड़ के चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है सर। चलो ट्राई करते हैं कि ए किसी काम को 20 डेज में, बी उसी काम को 30 डेज में, तो हमें एलसीएम लेना है, क्योंकि ये हमारे पास दे होते हैं, ये हमारे पास टोटल वर्क होता है, एलसीएम 60 आ गया हमारे पास, जो हमारी एफिशिएंसी आई है इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, जी सर, टोटल एफिशिएंसी 5 हो गई हमारी। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 9 डेज बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब कि बी चला जाता है, बट इस क्वेश्चन में 9 दिन तक तो ए और बी मिलकर दोनों ने कार्य किया होगा ना, जी सर, इंटू 9 कर, तो कितना कार्य हो गया, 45% आपका वर्क हो गया, तो टोटल वर्क में से 45 हो गया, टोटल वर्क 60 है, 15 हमारा बच गया, अभी 15 कार्य कौन करेगा, यहाँ कह रहा है कि बी तो कार्य छोड़ के चला गया, बी तो कार्य छोड़ के चला गया, बचा कौन, ए शेष कार्य को समाप्त करता है, ए कितने में करेगा, 3 डेज, यहाँ पे 5 आ जाएंगे, बट 3 एफिशिएंसी है सर उसकी, नहीं ये 3 क्या है, नीचे 3 एफिशिएंसी है, क्योंकि 3 की एफिशिएंसी से कार्य करेगा बाद में, ठीक है, और 5 आ गया, प्लस इसने 9 दिन तो इसके साथ में मिलकर कार्य किया, तो 9 दिन तो पहले कर चुका है, जी सर, तो हमारा 14 डेज आंसर, जो हमारा
क्योंकि 5 डे तो उसने अकेले किया बी के जाने के बाद में जी सर, और 9 दिन तो इसने बी के साथ में कार्य किया था मिलके, तो 14 डेज में 14 डेज में हमारा इसका कार्य पूरा हो जाएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है एक लास्ट, ज़्यादा ऊपर होगा सर, इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा ऊपर होगा, नीचे करिए। थोड़ा ऊपर कर लीजिए सर, ठीक है सर। क्वेश्चन है कि ए बी सी, कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन 30 दिन में समाप्त करते हैं, सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 7 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, उस 7 दिन बाद तो एक काम छोड़कर चला जाएगा, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को जो बचा काम है उसको सी करता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? ये कि सी के द्वारा जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में होगा, ये SSC 2016 में पूछा गया है। चलो देखते हैं, ए किसी कार्य को 10 डेज में करता है, बी उसी कार्य को 20 डेज में करता है, सी उसी कार्य को 30 डेज में करता है, तो टोटल LCM लेंगे, जो इसकी LCM ली, LCM कितना हो जाएगा? 60 LCM हो जाएगा, 60 को मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड 10 से किया तो एक ही एफिशिएंसी आ जाएगी, अब एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, बीटी एफिशिएंसी 20 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगी, और इसको 60 को 30 से डिवाइड किया 2 आ गया सर, तो 2 आ जाएगा, तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई, तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। आगे क्वेश्चन को पढ़ो कि 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, 4 दिन बाद ए चला गया, तो टोटल है टोटल 11 डेज हो गए, मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 दिन तो तीनों ने मिलकर कार्य किया, 4 दिन बाद जाएगा वो, तो 4 दिन तो इनकी एफिशिएंसी 11 है सर, एक दिन की 11 है, तो 4 दिन बाद जाएगा ना, तो 4 दिन की हो जाएगी 44 हो गया सर, 44 हो गया, तो टोटल वर्क में से 44 तो कार्य हो चुका, तो 16 बच गया, 16 बचा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, दो दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बी भी कार्य छोड़ देता है यहाँ से, तो जी सर बचा कौन, बी और सी के दो, इसके एफिशिएंसी 5 हो गए दोनों को मिला के, ए तो ए चला गया जी सर, मल्टीप्लाई 2 तो 10 ये हो गया जी सर, तो 10 कार्य इन्होंने मिलके किया, इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि टोटल कार्य 16 बचा हमारे पास, अब तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, बी चला गया, बी को काट दिया, तो अब यहाँ से बी चला गया, अब ये कार्य अकेला कौन करेगा, सी कार्य करेगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ, 2 है सर, 2 है, 3 डेज हो जाएगा, 3 डेज हो जाएगा, ये सी है, बट यहाँ पे इसने 4 डेज ए के साथ मिलके कार्य किया था, फिर बी और सी दोनों ने मिलके कार्य किया था, यहाँ पे बी और सी ने 2 डेज कार्य किया था, तो इसका जो 9 हो जाएगा, सी ने कितना दिन कार्य किया, 9 डेज, तो हमारा ऑप्शन सीज कर रहे हैं। चलो सर रिपीट कर दीजिए सर इसको लास्ट में, कि 11 × 4 किया तो 44 आ गया, ठीक है सर, क्योंकि ये 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता, तो 4 दिन तीनों ने काम किया, तो 4 दिन तो इन तीनों ने मिलकर कार्य किया जी सर, तो 44 आंसर हो गया, तो 44 इनका क्या है, टोटल वर्क आ गया जी सर, तो इसको टोटल वर्क हमारे पास ये है, इसमें से जो कार्य हो उसको घटा दें तो बाकी बचे हुए कार्य करेंगे, क्योंकि ये चला जाएगा, तो 16 बचा हमारे पास, तो ये भी क्या कह रहा है कि बी भी 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो 4 के 2 दिन बाद, हाँ, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है अभी इस कार्य में जी सर, तो ये दोनों करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे इनके एफिशिएंसी, और 2 दिन तक करेंगे तो 10 कार्य हो जाएगा इनका जी सर, फिर क्या है 10 हो जाएगा तो 60 हमारे पास टोटल कार्य कितना बचा, 16 था बचा, इसमें से 10 माइनस कर देंगे 6 बचा, तो जो 6 कार्य बचा इसको कौन करेगा, अकेला सी करेगा, और सी भी 2 की एफिशिएंसी करेगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 आ गई, बट इसने ए के साथ कार्य किया 4 डेज तो मिलके, फिर बी के साथ, फिर 2 डेज बी के साथ किया, और 3 दिन 3 दिन मिलके अकेले ने किया, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी 9 डेज हो गया सर, तो 9 डेज हो जाएंगे, 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा सर।
ठीक है दोस्तों, आप बताइएगा कि आपको कैसे लगा हमारा शॉर्ट ट्रिक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी में आपको नर्सिंग की भी क्लासेस अवेलेबल होगी, जो कि लाइव क्लास चलती है हमारी, और हमारी लाइव क्लास के लिए आप इसी चैनल पर आप कमेंट में भेज सकते हैं, और हमारी यूट्यूब हमारी वेबसाइट उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी की वेबसाइट पर भी जाके आप ऑनलाइन कोर्सेज पेड कर सकते हैं, उसमें आपको हर प्रकार की कोर्स पेड किए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।